सतगुरु जी ने हर अपनी रचना दे उते हर अपने शब्द दे उते मोर ला दी पे ए जड़ी मेरी रचना है ए जड़ा मेरा शब्द है चाहे वह अष्टपदी के रूप है चाहे शंत का रूप है चाहे श्लोक का है पर तर्ज लिखी ट्यून लिखी जिन्हों असी राग कहने पे ए मेरी रचना इस राग में गाने जिन्हों निर्धारित कहने आप जिमें तुम अज सुनी रहे हो पर जे असी राग सोरठ का हो गावियो जैतसरी में तसीर नहीं रहेगी। सतगुरु जी ने हर रचना के अपने उत्ते सरलेख लिखा है हैडिंग लिखा है संगीत लिखा है वो तर्ज लिखी है ट्यून लिखी है कदाचित नहीं भुलना चाहिए इस गल क्योंकि इसने अगर असी उसकी ट्यून बदल देंगे उसका संगीत बदल देंगे उसका असर बदल जाएगा। एक संगीत वह है कि जो इतने बारिश पाने की समर्था रखता है मेघ मलार पर एक संगीत दीपक है पर वह अग भी ला दिंदा। एक शांति करन दा भी साधन है एक अशांति पैदा करन दा भी साधन है। इस करके आप जी ने उस संगीत नाल संबंधित होना जिन्हों असी गुरमत कहने गुरमत का संगीत गुरु नानक का संगीत जिस शब्द नूं जिस राग च पा के मेरे गरीब नवाज जी ने गा के सानू सिक्ख्या देती सेध दिती है आपां उसे राह ते चल के अपने जीवन नूं सफला करना ना कि मन आईयां तरजां पढ़ के। वैसे तो साईं नाल जुड़न दे लई जिमें भी गीत गाया जाए सारे प्रवान ने पर जेड़े गरीब नवाज ने मोहरां लाईयां होईयां ने इस शब्द नूं इस राह च पढ़ना सानू उहनूं तब्दील नहीं करना चाहीदा क्योंकि सानू सतगुरु ते शक नहीं करनी चाहीदी कि ठीक नहीं लिखिया किंतु हो जाएगा गुरु ते अगर उहदे लई जगह बदल देंगे इहदा मतलब यह होया कि जो गुरु साहब जी ने उहदी ट्यून लिखी है राग लिखिया पे क्या ठीक नहीं लिखिया क्या मनुखी मन की जो सोच होएगी क्या गुरु नानक साहब की रूहानियत उत्ते जाएगी।